हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब क्योंकि फेस्टिव सीजन आ गया है तो मैंने सोचा कोई नई वीडियो बनाई जाए। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था जूडियो पार्ट वन, जिसमें मैंने उनकी वेस्टर्न कलेक्शन वाला फ्लोर एक्सप्लोर किया था। एंड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पार्ट टू में उनकी एथनिक कलेक्शन। मैं जनकपुरी के जूडियो स्टोर गई थी एंड वहाँ सेकेंड फ्लोर से शुरू हो जाता है एथनिक वेयर प्लस किड्स सेक्शन। मेरी मम्मी मुझे अकंपनी कर रही है इस मिशन में टू शो यू गाइस द मोस्ट अफोर्डेबल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अ क्विक डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं खुद के पैसे खर्च के गई और के पैसे खर्च के शॉपिंग करके लाई हूँ। स्टार्ट करते हैं ड्रेसेस और कुर्तों से। यहाँ की रेंज स्टार्ट हो जाती है 399 रुपीस से एंड जाती है 999 रुपीस तक। ये येलो कुर्ता जो आप देख रहे हो 999 का था। बॉटम्स भी बहुत अच्छे लेस वाले और कट वर्क वाले मिल जाते हैं जो कि 399 से स्टार्ट होते हैं इन कलर्स लाइक ब्लैक, ब्लू एज वेल एज व्हाइट। ये वाला मेरी मम्मी को बहुत पसंद आ रहा था। ना वहाँ पे ना बहुत अलग अलग एजटेक और बहुत फ्यूजन वाले प्रिंट्स की ड्रेसेस भी थी एंड द मोस्ट डोमिनेंट कलर्स वर टील, व्हाइट एज वेल एज ब्लू। ये वाली ड्रेस भी बहुत प्यारी थी, इसमें गोल्डन थ्रेड का ऑल ओवर काम था एंड दिस वाज समथिंग जो मैंने नहीं देखा था कि ड्रेस भी एथनिक हो सकती है। देन ये भी एक सेज ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता था जो 999 का था। एंड बेसिकली मैंने एक चीज नोटिस की कि जूडियो में ज्यादातर आपको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी ही मिलेगी या साथ में थोड़ा बहुत सिप्पी का काम मिलेगा। ये वाला ब्लू वाला टॉप ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज इसको मैं मल्टीपल वेज में स्टाइल कर पाती। एंड अगेन कंटिन्यूइंग विद द फैशन ऑफ ब्लू एज वेल एज व्हाइट, ये वाली ड्रेस भी बहुत प्यारी थी, फ्रिल वर्क में थी। ज्यादातर स्टोर्स में आप जाओ तो ऑफलाइन आपको सिप्पी वर्क ही मिलता है बट ये वाले कुर्तों में अच्छे अच्छे मिरर लगे हुए थे एंड बहुत ही डिसेंटली प्राइस भी थे। जैसे आप देख सकते हो 799 की रेंज में बहुत अच्छे कुर्ते थे जो कि अनारकली में थे। जूडियो में ज्यादातर यही रेंज चलती है। जैसे आप देख सकते हो 399 का पूरा ये स्टैंड लगा हुआ है जहां पे आपको प्रिंटेड एज वेल एज वर्क वाले सिंपल कुर्ते मिलेंगे एंड अगर आपको अनारकली या थोड़े घेरे वाला सूट लेना हो वो आपको 799 में मिलेगा। मुझे ऐसे फेस्टिव कलर्स बहुत पसंद है थोड़े चटकीले से, तो मैं ट्राई करके देख रही थी कि ये वाला मुझ पे कैसा लगेगा। आई डिड गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगी। ये भी एक मैक्सी ड्रेस सॉर्ट ऑफ कुर्ता था जिसको आप टू वे में स्टाइल कर सकते हो और मेरी मम्मी को इसमें जो व्हाइट थ्रेड वर्क है ये बहुत प्यारा लग रहा था। ना इसी फ्लोर पे किड सेक्शन भी था तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना एज वाइज लिखा होता है टैग पे कि आप 4 साल से 5 साल के बच्चे के लिए एज वेल एज यहाँ पे 14 साल तक के बच्चों के लिए आपको 399 में सेम ड्रेस एंड पैटर्न में सब कुछ मिल जाएगा। बेल्टेड ड्रेसेस भी थी, समर ड्रेसेस भी थी एंड बहुत प्यारी प्यारी कलेक्शन थी। लेकिन मेरा दिल कर रहा था थोड़ा ब्लाउज एज वेल एज टॉप्स कलेक्शन एक्सप्लोर की जाए। घूम फिर के मैं फिर इसी टॉप के पास आ गई। यहाँ पे ना साइजेस बहुत कम और लिमिटेड थे। आई डोंट नो व्हाई, जब मैंने स्टाफ से पूछा तो दे सेड कि उनकी फ्रेश कलेक्शन हमेशा फ्राइडे को रीस्टॉक होती है। दिस वाज अनदर टॉप जो कि बहुत अच्छा ब्लाउज की तरह भी साड़ी में मैं पहन सकती थी या फिर ये वाली जो ड्रेस है जो व्हाइट में बहुत ही एक अच्छी वेकेशन ड्रेस बन सकती है। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल डेनिम ड्रेस जिसपे थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी थी। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आई फील लाइक अगर आपको कुछ भी लेना हो जूडियो से एंड अगर आपके आसपास जूडियो हो प्लीज गो फ्राइडे या सैटरडे क्योंकि तब फ्रेश स्टॉक आता है। मैं वेंसडे को गई थी एंड तभी यहाँ पे थोड़ी सी कम वैरायटी थी। देन नीचे जाके जब मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न सेक्शन देखा तो यहाँ पे बहुत प्यारी टेक्स्ट स्वेट शर्ट्स आई हुई थी, इतने प्यारे प्यारे कोट्स लिखे थे एंड ये 599 रुपीज की थी विच आई थिंक इज अ वेरी गुड प्राइस कंसिडरिंग के ज़ारा, H&M या कहीं भी आप मॉल में जाओगे ये हमेशा 1000 रुपए से ऊपर की मिलती है, तो इनका प्राइस बहुत अच्छा था। फुल स्लीव टॉप्स बहुत आए हुए थे समर एंड कॉटन फैब्रिक्स के भी, जिन लोगों को फुल स्लीव या 3/4 स्लीव पसंद है आप देख सकते हो इसमें कटवर्क है। एंड आई वॉज हैप्पी टू नो कि क्योंकि अब विंटर सीजन आएगा सीधा फेस्टिव सीजन के बाद तो पहले से ही जंपर्स एंड थोड़े से हाई नेक्स टर्टल नेक्स या 799 के शुरू हो गए थे। नाउ फुटवेयर की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स एज वेल एज शूज थे। शूज मैंने देखे नहीं, मुझे अच्छे अच्छे फ्लैट्स चाहिए थे एंड ये एथनिक वाले बहुत अच्छे लग रहे थे। आई वॉज सो सरप्राइज टू सी कि इसके अंदर ना इतनी प्यारी प्यारी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी थी, मोती तक लगे हुए थे एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। मुझे लगा ये तो भाई ले ही लेना चाहिए। दिस इज माई फेवरेट सेक्शन फ्रॉम जूडियो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एयरी टू वे स्पोर्ट्स ब्राज मिलती है एंड आप देख सकते हो इसमें कितने नए नए कलर आए हुए हैं। लास्ट टाइम आई ओनली गॉट 2। देन साइड में यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे इट्सी बिट्सी चीजें पड़ी होती हैं जिसमें आप हेयर टाइज ले सकते हो, बहुत प्यारी प्यारी सैटिन स्क्रंचीज ले सकते हो एंड क्लॉ क्लिप्स ले सकते हो। ऑल्सो दे डू हैव अ ट्रायल रूम सो हर चीज आप ट्राई करके देख सकते हो, ज्यादा भीड़ नहीं होती है। एंड आई फील लाइक जूडियो की ओवरऑल कलेक्शन काफी ठीक थी। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मे बी मैं गलत दिन आ गई थी एंड यहाँ पे जो कलेक्शन मौजूद भी थी उसमें मुझे मेरा साइज नहीं मिल रहा था, तो मुझे बहुत बार देखना पड़ा कि एक आर्टिकल मुझे पसंद आ रहा था एंड वो साइज ही अवेलेबल नहीं था, देन आई हैड टू स्किप टू द नेक्स्ट वन। बट आई वाज रियली हैप्पी टू नो कि जूडियो की कलेक्शन 799 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है एंड 1000 रुपए से ऊपर का कुछ नहीं था। ऑल्सो आई वॉज रियली अनॉयड कि जो जो चीजें मैं ट्राई कर रही थी उसमें पहले से ही लड़कियों की लिपस्टिक लगी हुई थी। सो दिस इज अ शॉर्ट ट्यूटोरियल फ्रॉम माई साइड इन अ फनी एंड सिली वे। आप ऐसे करके सारे टॉप निकाल सकते हो अपने होंठ अंदर कर
करके, ताकि आप स्टोर के कपड़े खराब ना करो. एंड आई फील लाइक Zudio इन जनरल, उनको थोड़ा क्वालिटी चेक करना चाहिए कि अगर लिपस्टिक लग भी गई है तो उनको अपनी तरफ से या तो कुछ साफ करने का करना चाहिए, बिकॉज दिस इज सुपर अनहाइजीनिक. तो भाई मैंने तो शॉपिंग कर ली है सारे साफ साफ कपड़ों की खोज के ढूंढ के, एंड मेरा बिल भी ज्यादा नहीं आया. देखो भर भर के दो बैग में ले आई हूँ, बट सारी फेस्टिव सीजन शॉपिंग मेरी और मम्मी की हो गई. Okay, जी, I am back home and I'm super excited to show you guys what all I got from Zudio this time. I did go towards the western section थोड़ा सा like 10 minute के लिए, and बाकी का एक घंटा मैंने properly ethnic section explore किया. So the first thing that I got is this normal simple कुर्ती जो 399 की है. ये मैंने festive season या festive mornings जैसे नवरात्रि का पहला दिन होता है या फिर घर में कंजक पूजा वगैरह होती है उस चीज के लिए लिया है, where I don't need to step outside या फिर घर पे कोई मेहमान नहीं आ रहे होते, but I still need to feel festive and थोड़ा सा वो इंडियनाइज्ड वाइब के लिए लाइक ऐसे टाइप के टॉप्स वगैरह पहन लो तो बहुत अच्छा लगता है. सो पर्सनली मुझे एकक प्रिंट टाइप के डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं, एंड वाइट बेस के ऊपर जब आप खिले खिले रंग डालते हो ना लाइक पिंक ऑरेंज येलो, तो वो बहुत प्यारा लगने लगता है. एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ट लाइक इसमें ज्यादा वर्क की जरूरत नहीं है. इसका बहुत ही सुंदर ऐसे डिसेंट सा गला है. वन डिटेल दो दैट आई रियली लाइक इज दैट ये पूरा नीचे तक जाते जाते ना यहाँ पे ऐसे बटन है, विच आई लव. ये ऐसे वुडन टाइप के बटन है टेक्सचर में, एंड इससे थोड़ा सा एक वेस्टर्न एलिमेंट भी एड होता है, सो यू डोंट लुक टू ट्रेडिशनल. सबके घर में या रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी बंदी होती है जिसको बहुत ज्यादा ड्रेसअप होना नहीं पसंद. आई कुडंट रिलेट बट आई नो दीज पीपल. सो उनके लिए ऐसे टाइप की कुर्ती फॉर 399 काफी सही रहेगी, एंड मैंने भी पर्सनली घर में पहनने के लिए ली है. नेक्स्ट आप वहां पे बॉटम्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, एंड मैंने और मेरी मम्मी ने ना ऐसे टाइप के बॉटम्स लिए जिसमें नीचे प्रॉपर ऐसे लेस का थोड़ा कटवर्क टाइप का डिजाइन दिया हुआ है. वी वुमेन ऑलवेज सर्च लाइक कूल बॉटम्स जिसके नीचे थोड़ी लेस लगी हो, वो बेसिक सॉलिड कलर्स में होनी चाहिए ताकि ज्यादातर अलग अलग रंग के कुर्तों के साथ हम मैक्सिमम चीजें पेयर अप करके चला सके. एंड आई फील लाइक दिस टाइप ऑफ गारमेंट इज परफेक्ट फॉर दैट पर्पस. मेरी मम्मी ने ब्लैक में लिया, मैंने ऐसा नेवी ब्लू में लिया, बिकॉज ज्यादातर मेरे पास व्हाइट या ब्लू कुर्तीज ही है, उसके साथ ये बहुत अच्छी तरह चल जाएगी. एंड द सेम थिंग माय मॉम गॉट इन हर साइज एज वेल. ये ब्लैक है, एंड इसके अंदर भी सेम ऐसे कटवर्क वाला डिजाइन है, एंड बहुत सुंदर यहाँ पे एकदम नीचे आप जब देखोगे ना प्यारा सा वर्क आता है. एंड यू कैन ऑल्सो पेयर इट विद योर स्मॉल कुर्तीज लाइक जो शॉर्ट ट्यूनिक्स होते हैं, एंड इवन विद टॉप्स, क्योंकि एकदम पैंट जैसा इसका फिट है, इसका सलवार टाइप का फिट नहीं है, विच आई रियली लाइक कि इसको आप वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न इंडियन हर तरह की चीज के साथ पेयर कर सकते हो. बट वी लाइक द डिजाइन सो मच, एंड क्योंकि ये 399 ईच के थे वी वर लाइक लेट्स बाय इट अगेन. इसका फैब्रिक आप देखो ना बहुत ही कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ कॉटन है, एंड आई लाइक दैट आगे ना इसके बिल्कुल ऐसे प्लेन सी सीम दी हुई है. सो ये जो पीछे का इलास्टिक है वो आगे आपके सूट के साथ या लुक के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, बहुत ही एकदम सीमलेस लुक आता है, पता नहीं चलता सलवार कहां से स्टार्ट हो रही है, विच आई रियली लाइक. ये छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल अच्छी लगती है, एंड सारा इलास्टिक आपको पीछे दिया गया है, विच इज अमेजिंग. द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक इन दिस, लाइक अगर मैं 400 रुपए पे कर रही हूँ, आई वॉन्ट कि मेरी पैंट में या सलवार में पॉकेट हो. सो इनमें पॉकेट्स नहीं है. इफ एनी वन फ्रॉम Zudio इज लिसनिंग, प्लीज अपने बॉटम्स में इवन इन एथनिक वेयर प्लीज 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 एक पॉकेट दे दो, वो बहुत सही रहेगी, एंड इट विल बी मोर फंक्शनल. सो आई रियली लाइक दिस फैक्ट के वहां पे ऐसे ट्रेडिशनल प्रिंट्स एंड डिजाइन में टॉप्स मिल रहे थे, एंड दिस इज ऑल्सो इन द सेम ब्लू कलर ओनली. एंड यू गाइज कैन सी इसमें वाइट थ्रेड की ना एम्ब्रॉयडरी अलग अलग ऐसे प्रिंट टाइप की गई है, विच आई लव. इसके साथ ऐसे बटन मिलते हैं जिसको आप खोल नहीं सकते, सिर्फ डिजाइन के लिए है. एंड नीचे ऐसे टाइप का इलास्टिक दिया हुआ है, सो आपकी बॉडी पे बिल्कुल अच्छे से बैठता है. मुझे इसका फिट मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगा. आई कैन पेयर इट विद जीन्स, लाइक बिल्कुल अलग अलग इसके साथ मैं लुक बना सकती हूँ. नाउ दिस टॉप इन पर्टिकुलर इज फॉर 599, विच आई थिंक इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, लाइक ये भी 399 का हो सकता था. ओके, नेक्स्ट अप मैं बहुत ही सुंदर चीज लाई हूँ. लाइक मेरे को ऐसा लॉन्ग कुर्ता फ्लोई कुर्ता इतने टाइम से चाहिए था, एंड इन दिस स्पेसिफिक कलर ओनली. ये कलर स्कोर करना इतना मुश्किल है, बट ये जो इतना सुंदर सा ऐसे सी ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर है ना, एकदम लाइट म्यूटेड सा है, मुझे एक जमाने में बहुत पसंद होता था. अगर आप मुझे 2018 2019 से फॉलो करते हो, यू गाइज मस्ट नो कि येलो एंड ये व्हाइट एंड ब्राउन से पहले मेरा फेवरेट कलर ऑफ ऑल टाइम्स 5-6 साल तक के लिए होता था सी ग्रीन. एंड मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है कि हाउ क्रेजी आई वॉज. इसमें आगे गले में बहुत सुंदर यहाँ पे योक बना हुआ है, डिजाइन दिया हुआ है. सो इसमें ना सी ग्रीन कलर के थ्रेड की यहाँ पे आपको ढेर सारी एम्ब्रॉयडरी दिख जाएगी, एंड उसके साथ यहाँ पे ऐसे सिक्विन एंड सिप्पी का काम है, जो थोड़े से ऐसे शैम्पेन गोल्ड होता है ना, एकदम नॉट येलो गोल्ड नॉट व्हाइट गोल्ड, एकदम बीच का म्यूटेड सा शैम्पेन गोल्ड. एंड इसका ना वो जो कलर है वही इसको एक रिच लुक दे रहा है, क्योंकि इसके साथ तड़क भड़क वाला येलो अच्छा नहीं लगता. सो दिस इज अ वेरी डिसेंट लुकिंग बट विद फुल ऑफ वर्क वैसे टाइप का कुर्ता है, जो आपको कभी भी ओवर फील नहीं कराएगा, एट द सेम टाइम यू विल फील वेरी फेस्टिव. एंड यहाँ पे ऐसे टाइप
की फुली फुली सी स्लीव दी हुई है जो मुझे काफी पसंद है. ऐसे फुल फुली सी स्लीव्स मुझे अच्छी लगती है. ऐसे मूवमेंट में मजा आता है व्हेन एवर यू आर टेकिंग स्लो मोज, या फिर आपके घर में मेहमान आया, बच्चों के साथ खेल रहे हो, घर का काम कर रहे हो, चल रहे हो, आ रहे हो, तो मूवमेंट जो होती है आपके आउटफिट में वो आपको बहुत स्पेशल फील कराती है. देन अगर आप इसके नीचे जाते रहोगे, यहाँ पे ना प्लीट्स वगैरह दी हुई है योग के नीचे, एंड ये नीचे तक जाती है, सो ये अनारकली सॉर्ट ऑफ ड्रॉप आता है इसमें, एंड ये बहुत लॉन्ग है, एंड जब मैं इसमें घूमती हूँ बहुत सुंदर इसमें एक फ्लेयर आता है. एंड या गले में भी आगे ऐसे डोरिया दी हुई है विद टैसल्स, विच इज समथिंग दैट आई लाइक. मेरे को ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पसंद है. एंड ये वाला कुर्ता मैं लाई हूँ 799 में, एंड आई फील लाइक इसके लिए तो मैं 799 800 पे करने को तैयार हूँ, बिकॉज इसके अंदर बहुत प्यारा काम है. एट द सेम टाइम आई फील लाइक अभी नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा ये सब आने वाला है, उन सारी चीजों में ये पहनना बहुत सही रहेगा. लास्ट एथनिक कम ट्रेडिशनल चीज जो मैं अपने लिए लाई हूँ, यू वुडंट बिलीव, इट्स एन एथनिक ड्रेस, एंड आई वॉज शॉक टू सी दिस, बिकॉज मुझे ऐसे टाइप की चीजें बहुत कम अभी तक, मैं अगर फ्ली मार्केट्स की बात करूँ, सरोजनी, लाजपत, या फिर अगर मॉल्स, पैंटलून्स इवन, इन सब की बात करूँ, तो मुझे ऐसी ड्रेस नहीं मिली है जिसमें प्रिंट और काम बिल्कुल इंडियन टाइप का हो, जो हमारे सूटों में और कुर्तों में होता है. सो दिस इज अ टील कलर ड्रेस, एंड इसकी लेंथ काफी डिसेंट है, लाइक गोटे से थोड़ा सा नीचे नी के अराउंड आती है, बट इट इज सो फ्लोई. मुझे जूडियो का फैब्रिक ऑनेस्टली काफी अच्छा लगा, एंड मैंने पहले भी जितनी चीजें ली थी, पहनी है, धोई है, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली खराब नहीं रहा है. एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पे भी ऐसे योक टाइप का ना एक फ्रिल फ्रिल प्रिंट सा देने की कोशिश की गई है. यहाँ पे ऐसे टैसल्स है गोल्ड में, एंड ऑल ओवर आप इस ड्रेस के देखोगे बहुत सुंदर ऐसे गोल्डन सा प्रिंट है, विच आई लव. एंड इवन प्रिंट नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा पास से देखोगे ना, इसके अंदर वीविंग टाइप की है, लाइक थ्रेड का, गोल्ड थ्रेड का काम है. सो ये अगर धुलेगी भी तो ऐसे नहीं है कि गोल्ड का जो छपा हुआ होता है वो कुछ टाइम बाद फेड हो जाएगा या काला हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं होगा इसके साथ. एंड नीचे जाके बहुत फ्लोई हो जाती है. ये वाली थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बिकॉज दिस इज अ ड्रेस, एंड आई डोंट नो, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड जाते जाते चीजें महंगी हो जाती है. सो ये 899 का है, विच आई डोंट माइंड पेइंग, बट आई फील लाइक दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन योर लाइफ फॉर द फेस्टिव सीजन. दिस वॉज समथिंग डिफरेंट, तो मैंने आप लोगों को एक रेंज दिखाने के लिए ले लिया. बट अगर आप सिर्फ फेस्टिव सीजन अपना सॉर्ट करना चाहते हो, यू कैन गेट वन और टू कुर्तीज एंड यू विल बी सॉर्टेड. ओके, कमिंग टू माई मॉम, वहां पे एज यू गाइस नो, मैंने बताया ना ब्लू और व्हाइट ही वहां पे चलता है स्टूडियो में ज्यादातर. सो माई मॉम गॉट दिस व्हाइट कुर्ती, विच इज सुपर क्यूट. मेरी मम्मी को व्हाइट कुर्ते कलेक्ट करने का बहुत ऑब्सेशन है, क्योंकि वो हर रोज या फिर हर ऑल्टरनेट डे ब्रह्मा कुमारीज जाती है मुरली सुनने एंड उनकी क्लासेस अटेंड करने हमारे पास यहाँ सेंटर में. सो वहां पे ड्रेस कोड होता है व्हाइट का, एंड दैट इज वाई माई मॉम फाउंड इट रियली रियली प्रिटी. ये भी एक कॉटन कुर्ती है, एंड इसमें ना अगर आप पास से देखोगे फैब्रिक में थोड़ा थोड़ा सेल्फ का काम है, एंड देन यहाँ पे सिल्वर टाइप के फ्लावर्स विद मिरर वर्क दिए हुए हैं. आई होप यू गाइस कैन सी द रिफ्लेक्शन. सो दैट इज वाई दिस कुर्ती इज सुपर सुपर क्यूट, बहुत सुंदर ऐसे वाइट थ्रेड का काम है, मिरर का काम है, एंड ये नीचे तक जाते हैं. इट इज ऑल्सो अ नॉर्मल कुर्ती विद अ डोरी नेक में, ऐसे की होल टाइप का इफेक्ट दिया गया है. आपको एक अच्छी सी वाइट कुर्ती चाहिए अपनी कलेक्शन में एड करने के लिए, आई फील लाइक दिस वन इज सुपर क्यूट. ये ज्यादा महंगी भी नहीं थी, दिस इज फॉर 699 रुपीज, एंड आई फील लाइक फॉर द फैब्रिक एंड कैसा इसका लुक प्यारा प्यारा सा आता है ना, बहुत ही सटल येट फैंसी, तो उसके लिए 699 इज अ डिसेंट प्राइस टू पे. मे बी ये भी 499 तक का हो सकता था. मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब चीज 400-500 तक की ही हो, बट या दिस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर माई मॉम. एंड देन द लास्ट थिंग दैट माई मॉम गॉट इज अ ड्रेस ब्लू में, अगेन द सेम कलर कॉम्बिनेशन, बट ऐसे टाइप की बहुत गारमेंट्स है. ऐसा लग रहा था उन्होंने थोक में एक कपड़ा ले लिया और उसमें अलग अलग डिजाइन बना के छाप दिया और अपनी सारी जूडियो की ब्रांचेस में डाल दिया है. बट ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें भी व्हाइट आई थिंक अवेलेबल था. दिस इज अ ड्रेस, एंड इसको आप कुर्ती की तरह भी अनारकली की तरह पहन सकते हो, बट आई टोल्ड माई मॉम कि आपके ऊपर ये एज अ ड्रेस ज्यादा अच्छा लग रहा है, जब वो ट्रायल रूम में प्रॉपर पहन के आई थी ना. सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो व्हाइट थ्रेड का काम है, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सिप्पी वगैरह डाले हुए हैं, विच इज ग्रेट, एंड प्रॉपर ऐसे झाड़ी सी बन के आती है यहाँ पे बीच में. बड़े सुंदर ऐसे रिफ्लेक्टिव से बटन्स है, जैसे जो शेल्स से नहीं होते वैसे टाइप के बटन्स है. एंड व्हेन माय मॉम वोर इट, मुझे उन पे बहुत अच्छा लग रहा था ये. सो इफ यू हैव समवन एट होम जिसको एक चीज दो वे में स्टाइल करना पसंद है, लाइक दे ऑल्सो वॉन्ट द फील ऑफ अ मैक्सी ड्रेस एज वेल एज वो एक कुर्ती की तरह भी उसको स्टाइल करना चाहते हैं, आई फील लाइक दीज थिंग्स आर क्वाइट वर्सेटाइल. एंड ये 799 का था, विच इज ग्रेट, बिकॉज इसमें काफी सारा मुझे एक्चुअल में काम दिख रहा है, एंड सिलाई वगैरह, प्लीटिंग वगैरह दिख रही है. सो ये वाला जो कुर्ता कम ड्रेस है, मुझे ये डिसेंट प्राइस लगा इसके लिए. एंड अगेन बिकॉज एवरीथिंग इज इन कॉटन, सो आई फील लाइक हम लोग इसका ज्यादा यूज कर पाएंगे. दीज आर ऑल द थिंग जो हमने सिलेक्ट आउट की सेकंड फ्लोर एथनिक डिपार्टमेंट में. फिर हम नीचे फर्स्ट फ्लोर पे गए, एंड वी फाउंड सम अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स. इवन थोड़ी एथनिक टाइप की चीजें वहां भी मिल रही थी, लाइक दीज चप्पल. सो फुटवेयर से ही स्टार्ट कर लेते हैं. आई ऑलवेज फील लाइक जब ऐसा फेस्टिव सीजन होता है ना, आई हैव
फुल ऑन लाइक ग्लैम कर लिया, हेयर स्टाइल बना लिया, इयर रिंग्स पहन लिए, अच्छा सूट पहन लिया, बट फुटवेयर में मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ. आई ऑलवेज वेयर माई हील्स जो कि मैं नॉर्मली पहनती हूँ. सो आई रियली नीडेड अ गुड पेयर ऑफ दीज फ्लैट्स जो कि बहुत सही रहेंगे लाइक घर में, वही सेम कंजके वगैरह जो आपके घर के फंक्शन होते हैं, इवन दिवाली पूजा एंड ऑल, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उनके सामने पहनने के लिए, स्टाइल मारने के लिए बहुत अच्छा है. एंड दिस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, ये 499-500 के फ्लैट्स है, विच इज ग्रेट. सो आप देख सकते हो ये म्यूल्स टाइप के हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसे जैसे लहंगों में एम्ब्रॉयडरी होती है ना, वैसे टाइप की हुई है. फैब्रिक है बहुत प्यारा ऐसे शाइनी सा, एंड उसके ऊपर आप देख सकते हो अलग अलग कलर के थ्रेड्स की एम्ब्रॉयडरी है, एंड उसके बाद यहाँ पे सिप्पी मोती एंड बहुत अलग अलग टाइप की चीजें डाली हुई है. लाइक जस्ट इमेजिन इफ आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, उसके साथ भी ये मैच हो रहा है, इस कुर्ती के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है. एंड इवन इफ मैंने घर में ये सिंपल कुर्ता पहना है, उसके साथ भी ये मैच हो रहा है. इट जस्ट लिटरली गोज विद एवरीथिंग. आई गॉट अनदर पीस ऑफ फुटवेयर, एंड दिस इज नॉट नेसेसरली फॉर इंडियन फंक्शंस या फिर फेस्टिव सीजन, बट मुझे काफी अच्छा लग रहा था. मैंने एमएस के ऐसे सैंडल्स या फिर फ्लैट्स की ना हर जगह कॉपी देखी है, इवन जारा ने तो बहुत पहले, बहुत जमाने पहले निकाली थी, बट आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच इज अ ड्यूप, एंड स्टिल फॉर 1500-2000 रुपीस मैं बहुत ही कुछ सस्ता चाहती थी. सो देन आई केम अक्रॉस दिस. इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, ब्राउन भी था, आई थिंक टैन थोड़ा सा था, जीप सा जो कैमल कलर होता है ना, बट मुझे ब्लैक सबसे ज्यादा वर्सेटाइल लगे. ये एरमेस के डिजाइन का कॉपी है, बट आई रियली लाइक इसका ये जो मटेरियल है, बहुत प्यारा शाइनी शाइनी सा लग रहा है. नॉर्मल फ्लैट्स है जो आप डे टू डे लाइफ में पहन सकते हो, इसके पीछे भी वो बहुत बहुत हल्का सा ऐसे बेस दिया हुआ है एज यू गाइस कैन सी. एंड इसका भी साइज मुझे 38 आया है, एंड दीज वर फॉर 299 ओनली. सो 300 रुपए में चप्पल बहुत अच्छी है. आई फील लाइक ये सरोजनी प्राइसेस मिल गया, बिकॉज सरोजनी में भी आजकल फुटवेयर 300-250 तक की ही आती है. जैसे मैंने इसको पहना, ऐसे पैर डाले सिंड्रेला की तरह मैंने सैंडल्स के अंदर, आई वाज लाइक यार ये कितना सुंदर लग रहा है, तो इसलिए मैंने ले लिया. दिस टाइम आई वांटेड टू शो यू गाइस द होल कलेक्शन, लाइक नॉट जस्ट फॉर वुमेन, बट वहां बच्चों की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी. तो वहां किड सेक्शन में हमें बहुत प्यारी ड्रेस मिली, जिसके पीछे ऐसी प्यारी सी बेल्ट है. सो हमारी जान पहचान में एक बच्ची है 9-10 साल की, एंड जैसे मैंने वो ड्रेस डिपार्टमेंट देखा, आई फील लाइक थोड़ा आसपास के लोगों के लिए भी शॉपिंग कर लेनी चाहिए. सो दैट इज व्हाई वी गॉट दिस वेरी क्यूट एंड प्रिटी ड्रेस. इसमें ना वो जैसे रिंकल्ड सा थोड़ा मटेरियल होता है ना, जो बहुत जल्दी ऐसे खराब नहीं होता है, लाइक इवन इफ आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बैठ रहे हो, तो वो रिंकल नहीं होता है इजीली. आई रियली लाइक दिस. ये नीचे ऐसे स्केटर ड्रेस की तरह जाती है, एंड पीछे बहुत सुंदर ऐसे बेल्ट दी हुई है, सो वो अपने कमर के हिसाब से बच्ची जो है वो ठीक से एडजस्ट कर लेगी. सो दिस वाज अ क्यूट लिटिल एडिशन दैट आई गॉट. आई फील लाइक 500 रुपीस में दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव. लाइक बच्चों की चीजें सस्ती आनी चाहिए. लाइक अगर आप लॉजिकली सोचो कि बच्चों की चीजें छोटी होती है, कम फैब्रिक लगता है, कम काम धाम होता है, वो चीज सस्ती होनी चाहिए, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप किड सेक्शन में जाओगे वहां पे सबसे महंगी महंगी चीजें मिलती है. सो या दिस वन वॉज फॉर 500 रुपीज. नाउ कमिंग टू द वेस्टर्न सेक्शन, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, द वन थिंग जो मेरे लिए सुपर डुपर से भी ऊपर हिट थी वर दीज comfortable sports bras, and to this day I wear the bras that I got from Zudio, and वहाँ पे ना बड़े प्यारे प्यारे colors आए हुए थे यार, like sage green and pink, but वो unfortunately मेरे size में available नहीं था. मुझे इनमें large size आता है, वो ज़्यादातर XL में थी या small में थी, and medium भी एक दो ही available थे, तो जो मेरे size के लोग हैं वो सारे वहाँ पहले लूट के चले गए Zudio को. But this is the one that I got. ये एक blue, ऐसे navy blue type का, जिसमें grey के अंदर थोड़ा self में ऐसे print सा है. आपके घर में कोई teenager भी है जो नया नया bra पहनने के साथ experiment कर रहा है, फील लाइक स्टार्टिंग विद दिस काइंड ऑफ अ ब्रा इज रियली नाइस. एंड इसके जो पैड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज दीज आर टू वे ब्राज. लाइक पैड्स यहां से निकाल के आप आगे की साइड भी डाल सकते हो ऐसे करके स्क्वेरिश नेक बनाने के लिए, या फिर अगर आपकी ड्रेस वी नेक है तो वी नेक के हिसाब से भी कर सकते हो. एंड ब्लैक ब्राज इन जनरल आर रियली सेफ फॉर मी, सो मैंने ये ले ली. सेम थिंग मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी शो करके, लास्ट ब्लॉग में सेम चीजें थी. ऑलराइट, देन आई गॉट टू स्वेटशर्ट्स. द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट, वहां पे बड़े प्यारे प्यारे कोट्स वाले स्वेटशर्ट्स आई हुई थी यार, एंड अलग अलग साइजेस में अवेलेबल थी. आई थिंक आई शोड guys in the first half of this video. So मुझे ये particularly बहुत प्यारा लगा, and this is let your soul shine. Now इसमें मुझे medium size भी आ रहा था, but I like wearing oversized sweatshirts ताकि मैं उसके अंदर चीजें अगर stuff करनी हो stuff कर सकूँ, या फिर just I feel comfortable in loose sweatshirts specifically for the autumn season. And इसका fabric भी बिल्कुल ऐसे प्यारा size के अंदर, कोई भी ऐसे fleece की lining नहीं है, तो ये एकदम गर्म नहीं है. It's just for that middle वाला जो season होता है ना, कि क्या पहने समझ नहीं आता, उसके लिए है ये. And this sweatshirt was for 599 rupees. So 600 में दिस इज नॉट
नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज अगर आप ऐसे टाइप की स्वेटशर्ट्स H&M या Zara वगैरह से लेने जाओगे तो आपको ये सेम स्वेटशर्ट्स 1500 से नीचे की नहीं मिलेगी. इवन सेल पे भी आपको 999 से नीचे का कुछ नहीं मिलेगा. तो 600 रुपीज में दिस इज ग्रेट. एंड दिस स्वेटशर्ट वॉज क्वाइट अ सरप्राइज. लाइक मुझे नहीं लगा था मेरे ऊपर ये इतनी अच्छी लगेगी. एंड आई डिड नॉट इवन नोटिस कि इसकी ना ऐसे यहाँ सीम जो कंधे की होती है उसके साथ एकदम पूफी सी स्लीव है. सो जब मैंने इसको पहना एंड ट्रायल रूम में ट्राई किया उसके बाद मुझे रियलाइज हुई इसकी कदर. आई वॉज लाइक ये कितना सुंदर लग रहा है यार. ऑनेस्टली लाइक जिन लोगों के थोड़े से ऐसे गोल शोल्डर्स होते हैं या फिर पीपल हु आर हैवी हेयर लाइक मी, उनको कभी कभी कॉन्शियसनेस फील होती है कि हमारी ज्यादा ऐसे कोई चीज में पहन के गोल शेप नहीं आ रही. सो वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर बॉडी और इवन योर आर्म्स, वॉट हेल्प मी इज दैट आई फाइंड क्लोथ जहां पे कंधे काफी स्ट्रक्चर्ड हो एंड थोड़ा सा ऐसे पूफी इफेक्ट हो. वो आपको ना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड एंड ज्यादा आई डोंट नो थोड़ा एज प्रोवाइड कर देते हैं आउटफिट में. एंड दैट इज वॉट आई ट्राई टू डू व्हेनेवर आई एम फीलिंग इनसिक्योर अबाउट माई आर्म्स. सो ये वाली स्वेटशर्ट क्योंकि इसमें ज्यादा काम है, स्लीव्स थोड़ी फैंसी है, तो ये 100 रुपए ऊपर है, 699 की है, बट टोटली वर्थ द प्राइस. इसमें और कलर्स भी अवेलेबल थे, वाइन था, ग्रीन था, ब्लैक था. सो डिपेंडिंग ऑन योर कलर पैलेट आप ये ले सकते हो. मुझे तो भाई ऐसी न्यूड टाइप की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है. स्पीकिंग ऑफ न्यूड एंड ब्राउन टोन्स, आई ऑल्सो गॉट दिस जीन्स. नाउ लास्ट टाइम मैंने जो हॉल में ऐसी ही एक सेम जीन्स दिखाई थी जिसमें नीचे ऐसे थोड़ा फ्रेड फ्रेड सा था एंड आई गॉट मिक्सड रिव्यूज लाइक इन द कॉमेंट्स. मैं अच्छे से चेक करती हूँ कि लोगों का क्या ओपिनियन है इफ आई एम ट्राइंग अ न्यू ब्रांड. सो अ लॉट ऑफ यू वर लाइक कि हाँ भाई अच्छी सस्ती चीजें हैं एंड वी ऑल्सो हैव इट एंड हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. बट अ लॉट ऑफ यू सेड कि जीन्स के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, वो धुलने के बाद फेड हो गई या फिर उसके साइड का इलास्टिक जो होता है वो लूज हो गया. सो आई वॉज स्ट्रगलिंग कि क्या मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहेगा. बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट यू गाइस कि पर्सनली मेरे साथ ऐसा इशू नहीं हुआ. जो ब्लैक जीन्स मैं लास्ट टाइम लाई थी इट इज स्टिल वर्किंग एंड इट इज स्टिल फाइन. मुझे बहुत अच्छा उसका फिट आता है. सो दिस टाइम आई गॉट द सेम जीन्स इन अ डिफरेंट कलर बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस पहले बहुत अच्छा रहा. सो दिस इज कॉल्ड ऑस्टिन वाइड क्रॉप्ड जीन्स. दिस इज द काइंड ऑफ जीन्स दैट आई थिंक विल गो वेरी वेल विद दिस वन. लाइक इसके साथ बहुत एक प्यारा मोनोक्रोमेटिक लुक बन सकता है एंड इवन विद ग्रे. ग्रे एंड ऐसे न्यूड कलर्स के साथ सब कुछ जाता है एंड दैट इज वाई आई हैव ट्राइड इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रल्स नाउ कि मैं हर चीज एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स एंड मैच थ्रो ऑन करके बस चला सकूं, मुझे ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े. द लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज रियली रियली सिली, बट ये ज्यादातर ना कस्टमर्स को आई थिंक थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए किया होता है. जब आप जाते हो बिलिंग कराने, बिलिंग काउंटर के साथ में चिपका के छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स दिए होते हैं जहां पे आपको इट्सी बिट्सी चीजें लाइक स्क्रंचीज, क्लिप्स, क्लॉक क्लिप्स, ये सारी चीजें मिल जाएंगी. एंड वाइल यू आर वेटिंग इन द लाइन यू हैव नो ऑप्शन अदर देन लुकिंग के हाँ भाई चलो देख लेते हैं क्या है, लेंगे नहीं देख लेते हैं. बट आई गॉट समथिंग. 99 रुपीज का ये पेयर है. सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस. लाइक मुझे ये 50 कुछ रुपए का पड़ा एक. तो लेट मी जस्ट ओपन एंड शो इट टू यू गाइज कि ये कैसे हैं. अगेन एज आई टोल्ड यू गाइज कि मैंने ज्यादातर ये न्यूट्रल्स, ग्रेज एंड ऐसे कैमल कलर्स लिए हैं, तो उसके साथ आई फेल्ट लाइक ये दोनों बहुत अच्छे से जाएंगे. इस वाले जो हेयर टाइप में ना बहुत प्यारे से मोती लगे हुए हैं. सो इवन इफ आप थोड़ी सी चोटी बना रहे हो ना तो ऐसे आपके बालों में प्यारे से पर्ल्स लगेंगे. एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद पर्ल्स, सो एनीथिंग दैट हैज पर्ल्स ऑफ लेटली मैं सब कुछ ले लेती हूँ. सो इसके साथ ऐसा रिबन सा दिया गया है जिसमें थोड़ा सा एनिमल प्रिंट है. सो दिस इज इन ब्लैक एंड न्यूड एंड ये वाला ग्रे एंड ब्लैक में है विद द सेम टाइप ऑफ हेयर टाई विद पर्ल्स. सो ये मैंने 99 रुपीज का लिया एंड आई एम सो हैप्पी कि जूडियो में आपको 79 एंड 99 रुपीज की भी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें मिल जाती हैं जिससे आप अपना थोड़ा लुक एलिवेट कर सकते हो. सो ये भी आपके फेस्टिव सीजन में काफी काम आ सकती है अगर आपको कोई जूड़ा बनाना और साथ में ऐसे इफ यू वॉन्ट थोड़ा सा रिबन ऐसे लटके, बड़ा ही प्यारा लगेगा ऐसे करके ना, बहुत सुंदर लग रहा है. ऑलराइट यू गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो हॉल. आई होप आप लोगों को ये स्टोर टूर पसंद आया हो, स्पेशली दैट आई डिड फॉर द फेस्टिव सीजन. लेट मी नो अगर आप लोगों के दिमाग में कोई नया स्टोर हो, कोई नया ब्रांड हो विच यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लोर एंड इफ यू वॉन्ट माई ओपिनियंस एंड रिव्यूज ऑन इट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज. कॉमेंट करके बताना इन सारी चीजों में से वॉट इज दैट वन थिंग जो आप जरूर लेना चाहोगे. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्वेट शर्ट, इट कुड बी अ कुर्ती और इट कुड बी जस्ट अ 99 रुपीज हेयर टाई विच इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल. सो सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन. आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे. एंड अगर आप न्यू हो, मुझे नहीं जानते एंड मैं आपको कुछ ज्यादा ही प्यारी लग गई हूँ, आप मेरी लाइफ और मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम @thatquirkymiss. अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग योर वे, अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. सो या आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू गाइज फर्स्ट ऑन इंस्टाग्राम. एंड या दैट्स अबाउट इट. हैव अ रियली रियली नाइस डे. पानी पी लो, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.